इस क्वेश्चन को मैं तीन तरीका से हल करना बताऊंगा, जिसमें से दो तरीका पूरा बताऊंगा और एक तरीका आपका होमवर्क हो जाएगा। उसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं क्वेश्चन उतारूंगा, ये प्रश्न उतारूंगा, क्योंकि इसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे मैं उतारूंगा। चार आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे लिखा, आप ऐसे लिखना, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको उतार देंगे। नाउ अब यहां पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, देखिए, ये आपको ए जैसा नहीं लग रहा है और ये बी जैसा लग रहा है, यानी आपको इतना घसना नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस टू ए बी, या मैं लिख दूंगा प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप इसे उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए है, यहाँ पे पांच एक्स है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बी है तो बी का जगह पर चार वाई है, ऊपर में दो है तो दो है, यानी कि ये और ये सेम है। फर्क क्या है, ये ए बी है और यहाँ पे पांच एक्स है, बात तो और चार वाई है, बात तो बराबर हुआ, यानी कि ये दोनों सेम टू सेम बराबर है। तो ऐसे करके कंपेयर करने का रहता है, ठीक है, दोनों को रिलेट करने से क्या पता चला कि दोनों सेम है, तो इसको सेम टू सेम इस पर तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ए है तो ए स्क्वायर हुआ, तो ए का जगह पर पांच एक्स है तो पांच एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में दो, देखिए ऊपर में दो है यानी कि घात है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस है फिर यहाँ पे प्लस देंगे, बी का जगह पर बी है तो बी का जगह पर चार वाई है तो चार वाई दे देंगे, चार वाई दे देंगे, ठीक है, ऊपर में दो है तो दो है प्लस। देखिए आप ऐसे मत लिख दीजिएगा, इस टाइप का ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, ये थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखिए इसका मतलब हुआ केवल x का स्क्वायर है, आपको दोनों का स्क्वायर लेने के लिए तो आपको डिब्बा में देना पड़ेगा ना, ये समझे बात। इस ये क्या कह रहा है कि केवल x का स्क्वायर है, पांच का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का है, तो ये सब मिला के ए हुआ, इसलिए पूरा का पूरा ए स्क्वायर हो गया। अब ये अगर दोगे तो ये केवल इसका स्क्वायर हो गया, दोनों का नहीं हुआ। दोनों को देने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में देंगे, कॉस्ट में देंगे, ठीक है। अच्छा फिर टू है तो टू, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है ना तो गुना रहता है, ऐसे करके है ना। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, गुना है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो ऐसे लिखे ना, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, ठीक है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो या कुछ लिखो ही नहीं। अच्छा फिर गुना का साइन में लगा दूंगा, देखिए यही वाला ए यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यही वाला यहाँ भी रिपीट हो रहा है, ये वाला पांच एक्स है ना, ए यही ए वापस यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, बी तो बी का जगह पर चार बार है, चार बार है तो चार बार दे देंगे, ठीक है, या तो कोई दिक्कत। तो चूंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ गया, ठीक है, तो ये पूरा लंबा जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मतलब इसको आप यहाँ से डिस्प्लेस कर दो, हटा दो, तो ये यहाँ पे ऐसे करके लंबा जाएगा इसके पूरा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो चूंकि मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस मैं यहाँ पे उतार दूंगा, ठीक है। फिर देखिए ये वाला कैसा लग रहा है देखने में, ये वाला कैसा लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पर एक तो फॉर्मूला ये हो गया अपने लोग का, दूसरा क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इससे भी आप उलट फिर कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दे सकते हो, तो क्या आप, ए स्क्वायर तो यहाँ पर जगह नहीं है, चूंकि चलाएंगे तो इस पर चल जाएगा तो गंदा टाइप का लगेगा, मैसी हो जाएगा देखने में, मैसी टाइप का हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ। देखिए तो ये स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी, तो माइनस टू, फिर यहाँ पर भी वही चीज, गुना गुना है टू ए ए और ये क्या हो जाएगा बी, क्लियर। अच्छा अब देखिए पांच एक्स दो बार है तो पांच एक्स को दो बार लिखेंगे, पांच एक्स है तो इसको दो बार लिखेंगे, तो पांच एक्स को एक बार लिखेंगे फिर दो बार लिखेंगे, तो अंक को एक जगह करेंगे, ए बी सी डी वाले को एक जगह, यानी कि पांच को एक जगह और एक्स को एक जगह, तो पचे पच्चीस हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है, ये रूल होता है, प्रॉपर्टीज होता है, तो ऐसे करके ए, तो
ए दोनों को जोड़ देंगे एम प्लस है। देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो एक ही, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक एक्स, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है। अब लोग सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो एक है, किसी का पावर कुछ नहीं तो एक रहता है ना, इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, क्योंकि सात का पावर एक तो सात ही होगा, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, दो हो गया। और आपको ये सब थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहता है, आप तुरंत कर दो, तुरंत में कर दो, ऐसे तुरंत में कर दो। पाँच को दो वाले कहेंगे तो पच्चीस, इन्हें के पाँच दुना दस, पाँच पच्चीस, एक्स को दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा ये पच्चीस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखिए चार चौक इन्हें के चार दुना आठ, चार को दो वाले कहेंगे तो चार गुना चार, तो सोलह नौ, पावर में है सोलह होगा, वाई को दो बार तो वाई स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस तो प्लस। अब इसको गुना करो, मैं बार बार कर रहा हूँ, घसना नहीं है इतना, इसको गुना करेंगे तो अंक को एक जगह कर लेंगे, तो दो पंचे दस अचौक चालीस हुआ ना, दो पंचे दस अचौक चालीस, चालीस हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई ठीक है वन, इसको गुना किया ना, यानी कि इसे देखिए यह था ना दो गुने पाँच एक्स था और चार वाई था, मैं डिब्बा में लिया मेरा मर्जी, तो देखिए ऐसे लिखे तब ना लिए, अरे तो खुला है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। हाँ वही पर अगर तीन रहता तब यहाँ पे ये देते, ठीक है। अच्छा तो अंक को एक जगह करें, फिर एक्स को वाई को एक जगह, तो पंच दस सौ चालीस हो गया, एक्स वाई का गुना करेंगे तो एक्स वाई, तो ऐसे क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो गया प्लस है तो प्लस, फिर देखिए पाँच एक्स को दोबारा लिखेंगे तो वही पाँच को दोबारा तो पच्चीस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस चार को दोबारा लिखेंगे तो सोलह वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, फिर इसको गुना करेंगे इतना दूर को गुना करेंगे इतना को, तो पंच दस चौक चालीस, चालीस हो गया एक्स वाई। तो अलजबरा आपको आता होगा, अलजबरा का जोड़ घटा गुना भाग, तो उसमें आप देखते होइएगा कि ये भी चालीस चालीस एक्स वाई और ये भी चालीस चालीस एक्स वाई, लेकिन इसका माइनस है इसका प्लस है तो कट जाएगा, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ये ऐसे रहता है ना, देखिए फाइव एक्स रहता है, फिर पाँच एक्स रहता है, ऐसे करके फाइव एक्स, तो दोनों तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो जब दोनों सेम रहता है ना, सेम टाइप का चीज़ सब लिखा रहता है ना, लेकिन साइन अलग अलग होता है ना, तो कट जाता है, तो जीरो हो गया, तो ऐसे करके, ठीक है। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या होता है, लाइक वाला को एक जगह करेंगे, अनलाइक वाला को एक जगह, यानी कि जातीय की एक जगह, बीजातीय को एक जगह, तो पच्चीस एक्स स्क्वायर है, तो मेरे कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, खोजिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको एक साइड, ठीक है। देखिए जो जोड़ घटाव होते हैं ना, वो साथ साथ चलते हैं कोई भी डिजिट के, जैसे कि आप कहीं पर जाते हो तो आपका छाया भी जाता है ना जी, जैसे आप कहीं पर जाते हो तो आपके साथ साथ क्या जाता है, छाया भी जाता है, तो वही जोड़ घटाव होता है, छाया होता है, जहाँ जहाँ अंक सब जाएगा, ए बी सी डी सब जाएगा, वहाँ वहाँ प्लस माइनस भी जाएगा, यानी कि आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ छाया भी जाएगा, तो जोड़ घटाव हो गया छाया एक तरीका से। आप बताइए आपने पच्चीस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बुला लिया, तो इसका छाया कौन हो गया, इसका शेडो कौन हो गया, प्लस हो गया, तो ये भी आपको देना पड़ेगा, ऐसे करके आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर वाला को एक जगह, फिर इसको देखिए, इसको भी साइन के साथ उतारेंगे, चिन्ह के साथ उतारेंगे एक जगह, ठीक है, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा बराबर देंगे, अब देखिए दोनों एक जैसा है, दोनों क्या है एक जैसा है, दोनों एक जैसा है तो जोड़ेंगे, दोनों एक जैसा है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि चावल को मैं एक जगह कर दिया, धान को एक जगह कर दिया, यानी कि एक जगह एक जैसा दिखने वाले को एक जगह, एक जैसा दिखने वाले को एक जगह, उसी को बोलते हैं लाइक, यानी कि समान पद एक जैसा। देखिए शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है छुपा हुआ, कुछ नहीं रहता है शुरू में तो प्लस रहता है, तो प्लस 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 पच्चीस पच्चीस कितना हो गया पचास एक्स स्क्वायर हो गया, पचास एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों में से चिन्ह बड़ी संख्या को होता है, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों बराबर हैं, तो जोड़े होगा तो दीजिए दीजिए, नहीं दीजिए नहीं दीजिए आपका मर्जी, क्योंकि छुपा हुआ है ना जोड़, इसलिए। फिर देखिए प्लस 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 सोलह सोलह बत्तीस वाई स्क्वायर, फिर दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों बराबर है तो प्लस, फिर यहाँ पर देना जरूरी है, अगर नहीं दीजिएगा तो मैंने आपको क्या बोला, ये नहीं कि यहाँ भी छुपा हुआ है तो प्लस है, ऐसे करके मत लेके आ जाइएगा एग्जाम में, ऐसे करके या फिर बोलेगा तो सर आप ही तो बोले थे शुरू में कुछ नहीं तो जोड़े, नहीं दो चीजों के बीच में कुछ नहीं रहेगा तब तो गुना में कंसीडर हो जाएगा, मानता हो जाएगा, यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं रहेगा तो प्लस रहेगा, जैसे देखिए ऐसे करके रहेगा तो यहाँ तो गुना हो जाएगा, तो आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि प्लस है, हाँ यहाँ पे नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, देखिए मैंने दे दिया आप नहीं दीजिए, लेकिन यहाँ पे देना नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि आंसर क्लियर, यानी कि प्लस 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 पच्चीस पच्चीस तो पचास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 सोलह सोलह बत्तीस, दोनों में चिन्ह बड़ी संख्या के दोनों तो बराबर है, एक प्लस दे देंगे, बीच में प्लस देना जरूरी है, बाकी यहाँ पे दीजिए तो दीजिए, नहीं दीजिए नहीं दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे मैंने प्लस नहीं दिया, फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में प्लस नहीं भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन बीच में देना जरूरी है। तो जैसे जावन आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड। ये हो गया नौ, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड में क्या है, देखिए ये जो है ना, पहले तो मैं क्वेश्चन उतारूंगा, पहले क्वेश्चन उतारूंगा, इसको मैं क्वेश्चन उतारूंगा, ऐसे करके मैं उतार लिया, इसको ऐसे करके उतार लिया। ठीक है, नौ बराबर दूंगा। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा रिलेट करना, देखिए रिलेट करना आना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, लेकिन याद करने से काफ़ी नहीं होगा। ठीक है, याद करना ही केवल काफ़ी समाधान नहीं है कि याद कर लिए तो हो गया, तो वही एक सोल्यूशन ही है। याद करना चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको आपको कंपेयर करना चाहिए, आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए। देखिए मैंने अभी मैंने क्या किया था, इससे पहले क्या किया था, ये वाला मेथड में इसको ए माना और प्लस इसको भी माना। अब मैं इस तरीका में क्या करूँगा, इस तरीका में मैं क्या करूँगा, आपको घसना नहीं है, सबको ए मानूंगा, सबको ए मानूंगा, सबको क्या मानूंगा, ए। देखिए ये ए दूसरा तरीका बता रहे हैं, सबको ए और स्क्वायर। पिछले वाला तरीका में क्या किया था मैंने, ए प्लस बी माना था, है ना यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस तरीका में मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस तरीका में क्या करूंगा, पूरा को मानूंगा, पूरा को, यानी कि देखिए ये पूरा को मानूंगा, देखिए पूरा को, ढक्कन मैंने रखा है ना, तो ढक्कन यानी कि ए हो गया ए, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर ए, ढक्कन पूरा ढक्कन ए, और ये स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला पूरा ढक्कन भी, और ये उसका, ऐसे करके मैं इसको करूंगा ए प्लस। तो आप लोग सर इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, देखिए फॉर्मूला होता है आपको पता नहीं है, अलग बात है। ठीक है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, सर हमने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सुना है, नहीं इसका भी होता है। तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला होता है, देखिए दो फॉर्मूला, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप नोट याद कर लेना। ठीक है, दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, और या और मतलब या और मतलब ऐसे करके और मतलब क्या होता है या। ठीक है, या एक और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस ए है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं अभी आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैं तीन तरीका से आपको बताऊंगा। तो देखिए तीन तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका ये हुआ, पहला तरीका ये हुआ, ठीक है, सेकंड तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, और ये आपका एच डब्ल्यू हो गया, ये तरीका आपका क्या हो गया, एच डब्ल्यू हो गया। ये तरीका आपको बना के लेना, ये वाला तरीका, ये एच डब्ल्यू हो गया। अब देखिए इसको तोड़ेंगे ना तो ये आ गया, कैसे चेक कीजिए, चेक 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 यानी कि जाँच कीजिए, जाँच कि मेरा सवाल कैसे सही है। तो देखिए इसको तोड़िए, ये आया ना, ये हम कैसे यकीन कर ले कि इसका फॉर्मूला ये हुआ, तो इसको तोड़ के ये आ गया, आराम से आ गया, कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, और ये वाला चिपका दीजिए ऐसे करके। देखिए ये दोनों एक जैसा है, मैंने अभी बताया ना, ये दोनों एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, कट गया, देखिए वापस आ गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको तोड़ के ये वाला आ गया, फिर इसको भी तोड़ के आप एच डब्ल्यू हो गया, इसको भी तोड़ के आपको ये वाला आ गया। ठीक है, ऐसे करके। तो चलिए, यानी कि ये बात तो अभी क्लियर है कि भाई इसको तोड़ेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। देखिए कोई भी आप ब्रैकेट दे सकते हैं, मैं बड़ी कोष्ठ दिया, आप छोटी कुछ भी दे सकते हो, मझली कोष्ठ यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए ए है, तो ए है तो यहाँ पे ए है, एक जगह पर पूरा है ना, पूरा को अपने ये माने थे ना, मैंने क्या बोला, ये ढक्कन को ऐसे करके पूरा को माने थे, यहाँ पे पूरा ए दे देंगे, तो पूरा ए दे देंगे, तो ये उतार देंगे, अच्छा ये उतार देंगे, अच्छा फिर प्लस पी प्लस बी है, तो ये पूरा को बी माने थे, ये पूरा को बी माने थे, पूरा को बी माने थे, तो पूरा भी यहाँ पे चिपका देंगे, पूरा भी चिपका देंगे, बी दे देंगे, बी दे देंगे, फिर ये स्क्वायर, तो स्क्वायर आपको इतना ऐसे करके नहीं देना है, ऐसे घंस के ऐसे ऐसे नहीं देना है, हम आपको फील करने के लिए दे रहे हैं। तो देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये पूरा ए हो गया, पूरा बी हो गया। ठीक है, अच्छा फिर देखिए फार्मूला में सूत्र में माइनस तो माइनस, फिर टू तो टू, फिर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना हो गया। ठीक है, चलिए फिर ब्रैकेट दे देंगे। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा नोट में, नोट में हमेशा याद रखिएगा एक चीज़, नोट नोट में याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट कि घटाओ यानी कि माइनस और इंटू के बाद घटाओ और इंटू के बाद वाला जो भी लिखेंगे वो कोष्ठ में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, चाहे वो कोई भी ब्रैकेट हो, इस चीज को आप एकदम स्टार मार देकर लिख दीजिएगा।
माइनस वाला और इनटू वाला के बाद जो भी लिखेंगे ठीक है हमेशा क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे ठीक है। देखिए तो मैंने अभी यहाँ पे क्या दिया इनटू दिया तो इनटू के बाद आप खुला में नहीं रखोगे उसको क्या करोगे बंद करोगे चाहे आप कोई भी ब्रैकेट से बंद करो आपका मर्जी है। चलिए तो ए है इसे वापस यही बना हुआ ना तो ये बोला यहाँ के चिपका देंगे ऐसे करके ये चिपका देंगे ऐसे करके चिपका देंगे फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना ठीक है। फिर यहाँ पे बी है तो बी ऐसे करके वापस से चिपका देंगे ऐसे करके चिपका देंगे ठीक है फिर क्वेश्चन बंद कर देंगे नहीं तो भाग जाएगा। अच्छा ये हो गया ये फिर ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर यहाँ पे टू ए बी यानी कि सेम टू सेम ये वाला पर मैं इसको क्या किया चिपका दिया ठीक है। अच्छा ये हो गया अब देखिए फिर इसको ऐसे करके कोष्ठ खोल देंगे यहाँ तो प्लस है माइनस रहता तब ना माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता लेकिन प्लस है कोई भी कोष्ठ का मतलब गुना तो प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो प्लस हो जाएगा इसको उतार देंगे फिर प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो माइनस है उतार देंगे प्लस में आपको डरना नहीं है सेम टू सेम उतार देंगे। हाँ माइनस रहता तब आपको थोड़ा होता माइनस प्लस माइनस ऐसे होता है लेकिन प्लस है तो प्लस को गुना करेंगे प्लस है तो प्लस हो गया पाँच एक्स प्लस को गुना करेंगे माइनस तो माइनस उतार दिया नहीं तो आप तो डायरेक्ट प्लस देखिए सामने वाला उतार देना प्लस में उतना डरना नहीं है ठीक है। चलिए ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर है माइनस तो माइनस है दो है तो दो है उन्हें फिर यहाँ पे देखिए ये देख के आपको क्या याद आ रहा है ये देख के आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं शायद मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये देख के आपको ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखिए ये वाला देखिए ये वाला है ना ये देख के आपको क्या क्या याद आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखिए सेम यहाँ पे नहीं होगा ए प्लस बी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। अभी 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 ये लेन के देखिए सिचुएशन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना पड़ेगा वी पॉइंट बताना पड़ेगा आपको देखने का इसके अकॉर्डिंग ये ए है और ये बी है ये टू ए बी है लेकिन अब जो लेन बना रहे हैं अब जो लेन बना रहे हैं तो वो अपना थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू वी पॉइंट बदल देंगे अब हम इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे ऐसे होता है सिचुएशन चेंज होता है इन्हें कि आप यहाँ पर भी है अब ये इसके अकॉर्डिंग ये ए है और ये बी है लेकिन अभी जो बता रहे हैं तो वो ये ए हो गया ये बी हो गया अब अलग अलग कर दिया अलग अलग कर दिया ऐसे करके। चलिए तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया ना क्योंकि ये ए है प्लस बी है इंटू ए और माइनस बी इस लेन के अकॉर्डिंग ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया लेकिन इस अकॉर्ड के इस लेन के अकॉर्डिंग ये पूरा ए हो गया ये पूरा बी हो गया। आई होप कि आप लोग बात समझते होंगे अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन घेर दीजिए। अच्छा अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बोला कि चार बाय यहाँ भी है चार बाय यहाँ भी है ठीक है लेकिन देखिए माइनस है और ये प्लस है तो काट दीजिए ठीक है तो क्या बचा यहाँ पर देखिए क्या बचा प्लस और प्लस प्लस पाँच एक्स और पाँच एक्स कितना हो गया दस एक्स नहीं होगा दस एक्स फिर डिब्बा बंद करके ऊपर में स्क्वायर नहीं होगा लाइक है ना एक जैसा है ना समान पद है ना तो पाँच एक्स दस एक्स हो गया माइनस तो माइनस चलो ऊपर में दो है तो दो दे दिया क्योंकि देखिए फॉर्मूला में भी दो है ना इसलिए अच्छा दो है तो दो फिर गुने फिर देखिए फिर वही वाला चीज़ मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड में पाँच को दो बार लिखेंगे तो पाँच पच्चीस पच्चीस हो जाएगा पच्चीस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना फिर माइनस तो फिर माइनस चार बाई को दो बार लिखेंगे तो सोलह बाई स्क्वायर हो जाएगा वो ना चार सौ सोलह बाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बंद कर देंगे फिर देखिए अब देखिए दस एक्स को दो बार लिखेंगे तो दस को दो बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा एक सौ एक्स को दो बार तो एक्स स्क्वायर यानी कि इसको दो बार लिखेंगे तो ये आएगा। अच्छा फिर देखिए दोनों लाइक है कि अनलाइक है अनलाइक है ये एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर है तो दोनों में जोड़ घटाव सब नहीं होगा अलग अलग में होता है ना तो जोड़ घटाव सब नहीं होता है। अब देखिए गुना के बाद में ब्रैकेट में तो यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस तो माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो माइनस हो जाएगा दो पच्चीस से कितना हो जाएगा पचास एक्स स्क्वायर ठीक है। फिर देखिए क्या होता है कि इसको एक बार इससे गुना करते हैं एक बार इसको इससे गुना करते हैं तो है ना तो माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो माइनस हो गया दो पच्चीस से पचास एक्स स्क्वायर ठीक है। माइनस को गुना करेंगे माइनस से माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो माइनस माइनस प्लस होता है प्लस तो दो को सोलह से गुना करेंगे दो को सोलह से गुना करेंगे तो बत्तीस वाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइक है ये दोनों क्या है ये दोनों क्या है लाइक है तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस एक सौ में से पचास गया तो पचास एक्स स्क्वायर दोनों में से बड़ा कौन है दोनों में से बड़ा कौन है एक सौ है तो एक सौ का शुरू शुरू में प्लस है तो मैंने आपको बताया था नहीं भी देंगे तो चलेगा फिर प्लस बत्तीस वाई स्क्वायर। अब हम एक बात बताइए ये दोनों एक जैसा है कि अलग अलग है लाइक है कि अनलाइक है अनलाइक है यानी कि जाती है कि विजाती है विजाती है इसलिए ये आंसर हो गया तो अच्छा से लिख देंगे स्क्वायर है ना स्क्वायर या स्क्वायर पचास है ठीक है पचास तो तरीका कुछ भी हो आंसर सेम आएगा
तो फर्स्ट मेथड में भी आएगा, सेकंड में कितना भी तरीका बनाएंगे आंसर सेम आएगा, हो गया उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको ये वाला तरीका बताया, अब आपका होमवर्क क्या हो गया, आपका होमवर्क क्या हो गया, अलजेब्रा बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थर्ड मेथड, ये तो मैंने आपको सेकंड बता, फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में क्या करना है, ये वाला पर आपको अप्लाई करना है, ये वाला पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए। एक बार मैंने इस पर बताया ना, एक बार मैंने इस पर बताया ना, प्लस है माइनस है, एक बार क्या करेंगे माइनस दे देंगे प्लस दे देंगे, क्योंकि इसको भी तोड़ के ये आएगा, तो इसको बनाइएगा तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, इसका भी आंसर यही आना चाहिए। आंसर कितना भी तरीका होगा एक ही आएगा, ये वाला प्लस ये वाला, ये आंसर होना चाहिए। हो गया, बना के लाइएगा, होमवर्क हो गया।